हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांग भसीन एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टरोलॉजी। सो गाइस, ये वाली वीडियो एक स्पेशल वीडियो होने वाली है क्योंकि आज हम ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसे क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरा का पूरा सिस्टम को हिला दिया है। यस गाइस, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप लोग अर्न कर सकते हो, बोरो कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा जो बैंक्स आपको फीचर्स प्रोवाइड करवाता है, जो हमारे सिस्टम के बैंक हमें फीचर्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो पूरे के पूरे फीचर्स और उससे ज़्यादा अच्छे इंटरेस्ट पे आप लोगों को वो ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। सो गाइस, आर यू एक्साइटेड टू नो द नेम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म? यस। सो दिस प्लेटफॉर्म व्हाट वी कॉल्ड इज वॉल्ट। अब वॉल्ट एक है क्या? वॉल्ट एक एक्सचेंज है, प्लस वॉल्ट एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी है। अब वॉल्ट के अंदर आप अर्न कर सकते हो, आप बोरो कर सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो, आप डिपॉजिट्स कर सकते हो एंड आपको इंटरेस्ट रेट भी प्रोवाइड होता है। सो गाइस, वॉल्ट ने जब मार्केट को स्टडी करा या अपना प्लेटफॉर्म बनाने से पहले, तो उन लोगों ने ऐसी चार प्रॉब्लम्स को फेस करा जिसके बेसिस पे लोग क्रिप्टो करेंसीज के अंदर या मार्केट के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते थे। एंड वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है वॉल्ट, जिसने सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा एंड उसके सॉल्यूशंस को एज अ इंटीग्रेट करा अपने खुद के प्लेटफॉर्म के अंदर। सो सबसे पहली प्रॉब्लम जो ज़्यादातर हम कस्टमर्स फेस करते हैं, सारी पब्लिक फेस करती है, सबसे पहला जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि जब भी हमारे पास कोई इनफ सरप्लस फंड होता है, हम डायरेक्टली उसे डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में और बैंक हमें वो सेविंग इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करवाता है हमारे डिपॉजिट पे। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन बैंक हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, अगर हम अपने फंड को, हमारे सरप्लस फंड को लॉन्ग टर्म के लिए डिपॉजिट करना है, तो हम लोग एक एज अ FD फिक्स डिपॉजिट क्रिएट कर देते हैं बैंक के अंदर एंड वो हमें स्लाइटली हायर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करवाता है सेविंग इंटरेस्ट रेट से। सो इसी वजह से हम लोग मार्केट के अंदर या क्रिप्टो करेंसीज के अंदर डिपॉजिट नहीं करते या ट्रेड नहीं करते, बिकॉज वहाँ पर वॉलेटाइल होती है मार्केट एंड हमें लॉसेज होने के चांस हो सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोगों को एक फिक्स इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड हो रहा होता है। सो ये सबसे पहली प्रॉब्लम थी जो वॉल्ट ने सॉल्व करी है, जो मैं आप लोगों को टर्मिनल के अंदर दिखाने वाला हूँ। एंड इट्स अ वेरी स्पेशल वीडियोज फॉर यू ऑल यू गाइज जो सबसे पहली बार क्रिप्टो करेंसी के अंदर आ रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए डेफिनेटली एक स्पेशल वीडियो होने वाली है। दूसरी प्रॉब्लम हम लोग क्या फेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने कोई भी डिजिटल एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, जस्ट लाइक शेयर्स, क्रिप्टो करेंसीज इन गोल्ड्स एक्सेट्रा, तो वहाँ पर होता ही है कि हम अगर रेगुलर बेसिस अगर इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है जब हम लोगों को पैसों की नीड होती है एंड हम लोगों को लोन लेना पड़ता है। सो हम लोग क्या करते हैं, हमारे जितने भी एसेट्स होते हैं उन लोगों को सेल करते हैं, जो भी हमारे पास अमाउंट बचता है हम उससे अपना जो भी खर्चा होता है, जो भी हमारी नेसेसिटीज़ होती हैं उसको परचेज करते हैं, या अगर हमें कोई भी चीज़ की नीड होती है। सो ये पर्टिकुलर चीज़ का भी प्रॉब्लम वॉल्ट ने देखा एंड उसको भी सॉल्व कराया और वो भी इंटीग्रेट कराया अपने खुद के प्लेटफॉर्म के अंदर। अब जनरली प्रॉब्लम क्या आती है क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर, क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि बैंक्स पे तो अगर आप अपना डिपॉजिट करते हो तो वहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट तो मिल जाता है, बट क्रिप्टो करेंसीज़ के साथ क्या होता है, आपको तभी प्रॉफिट मिलेगा जब आप उस पर्टिकुलर एसेट को या क्रिप्टो को सेल करते हो। बट इसको भी देखकर वॉल्ट एक ऐसी चीज़ लेकर आया जिसके थ्रू आप लोगों को बिना सेल करे भी क्रिप्टो करेंसीज को डिपॉजिट करके भी फायदा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं या फिर वर्किंग एम्प्लॉयज होते हैं, तो हम लोग ना मार्केट को ऑन अ रेगुलर बेसिस ट्रैक नहीं कर पाते हैं। जब हम ट्रैक नहीं कर पाते हैं तो हम लोगों ने बहुत बार सुना होता है कि यार मार्केट अगर डिप देती है ना क्रिप्टो करेंसीज की, तो वो बेस्ट टाइम होता है बाय करने का, बिकॉज अभी क्रिप्टोस ने या बिटकॉइन ने एक डिप दिया था, $30,000 तक गया था और कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही महीनों के अंदर वो ऑलमोस्ट वहाँ से डबल हो गया था। सो जब भी डिप मिलती है तो हम लोगों को बाय करना चाहिए, बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन हाई। सो ये स्ट्रैटेजी हम कैसे फॉलो करें, क्योंकि हम मार्केट को टाइम नहीं दे सकते, हम मार्केट को रीड करने के पास हमारा टाइम नहीं। सो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करा है वॉल्ट ने, जो मैं आप लोगों को अभी टर्मिनल पे लेकर जाऊंगा एंड सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा आप अपना खुद का SIP भी क्रिएट कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, आप अपने खुद के क्रिप्टोस को सेलेक्ट करके उस पर भी एक SIP क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे एंड लेट्स सी कि किस तरीके से ये प्लेटफॉर्म ने सारे कस्टमर्स की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व। सो गाइस, हम लोग अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे आ चुके हैं वॉल्ट के, तो इस तरीके का आप लोगों को कुछ देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ये टर्मिनल और ये इंटरफेस, इनका बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा फास्ट एंड इट्स वेरी इजी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जैसे हम लोग वॉल्ट के अंदर आते हैं तो हम लोगों को अपना KYC फिल करना है एंड विद इन सम मिनट्स KYC हो जाएगा एंड आप लोग अपने इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे आ जाएंगे। इसके बाद आपको सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम लोगों को जो करना होता है, हम लोगों को डिपॉजिट करना पड़ता है कुछ अमाउंट। सो हम लोग डिपॉजिट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल INR।
सो आप जैसे ही डिपॉजिट INR पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक बैंक अकाउंट आ जाएगा और ये एक वर्चुअल अकाउंट है। सो व्हाट यू कैन डू, ये पर्टिकुलर अमाउंट अकाउंट पे अगर आप अपना अमाउंट डिपॉजिट करते हो तो विद इन अ मिनट आपके वॉल्ट पे ये अमाउंट शो करना स्टार्ट कर देगा। सो फॉर एग्जांपल मैंने उसी वर्चुअल अकाउंट से 20,000 रुपीज डिपॉजिट करे थे एंड मेरे वॉल्ट पे यहाँ पर शो कर गए थे। अब सबसे पहली प्रॉब्लम जब मैं बात करता हूँ तो सबसे पहली प्रॉब्लम हम लोग जो फेस कर रहे थे, जो लोगों ने सॉल्व करी थी, कि बैंक्स आप लोगों को डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट, सेविंग इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए करना चाहते हैं होल्ड तो आप लोगों को वो फिक्स्ड डिपॉजिट भी देती है जिस पे हायर इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलता है। सो वॉल्ट ने वो कैसी प्रॉब्लम सॉल्व करी आप अपने इंटरफेस पे क्लियरली देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर अभी अपने 20,000 से बिटकॉइन बाय करता हूँ तो मैं जितना भी बिटकॉइन बाय करूंगा उस पर्टिकुलर बिटकॉइन पे मुझे वॉल्ट एक सेविंग इंटरेस्ट रेट भी प्रोवाइड करवाएगा सिर्फ डिपॉजिट, सिर्फ स्टोर करने का। मैंने सिर्फ बिटकॉइन यहाँ पर स्टोर करने का मुझे वॉल्ट कुछ इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करवाएगा। अब वो इंटरेस्ट रेट क्या क्या हो सकते हैं तो लेट मी शो यू। आप यहां पर देखिएगा, सी दिस सेविंग इंटरेस्ट रेट, अगर आप BTC बाय करते हैं और आप सिर्फ वॉल्ट के अंदर वॉलेट पे स्टोर करते हैं सो आप लोगों को 4.60 मिलेगा। DAI करते हैं तो 9.41% का आप लोगों को सेविंग रेट मिलता है जो कि ट्वाइस है आपको जो बैंक प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा यहां पर आप अपना खुद का फिक्स डिपॉजिट भी क्रिएट कर सकते हैं गाइस। यस गाइस, अपने बिटकॉइन का फिक्स डिपॉजिट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप बिटकॉइन का फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करते हैं तो आपको 6.70 पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलता है। आप नीचे देख सकते हैं, आपको नीचे शो कर रहा होगा, आपको हाईएस्ट USDT अगर आप पे अपना फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 12.68% मिलता है। USDC पे आपको 12.68 मिलता है, BUSDT पे आपको 12.68 मिलता है। मल्टीपल आपको फिक्स डिपॉजिट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर देखते हैं, जैसे हम वॉलेट पे जाते हैं, वॉलेट पे फॉर एग्जांपल मुझे बिटकॉइन बाय करना है, ठीक है, मैं चाहता हूं मैं बिटकॉइन बाय करूं। सो यहां पर आप देख सकते हैं आपको एक्सचेंज पे इंस्टेंट बाय और सेल का ऑप्शन दिखेगा। आप सीधा इस पे क्लिक करेंगे, आप यहां डाल सकते हैं आपको बिटकॉइन बाय करना है। अब आप अमाउंट डाल सकते हैं आपको कितने अमाउंट का बिटकॉइन बाय करना है। फॉर एग्जांपल मैं 50% ऑफ माय मेरा जो बैलेंस है मैं उसका 50% बिटकॉइन बाय करने में लगाना चाहूंगा। सो मैं जैसे ही बिटकॉइन पे बाय पे क्लिक करूंगा एंड ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि योर टोकन बैलेंस हैज बीन अपडेटेड और आपने INR सेल करे 10,000 को और आपने बाय कर लिया BTC, ठीक है। अब आपने जैसे ही BTC बाय करा मैं अपने डैशबोर्ड पे दोबारा जाता हूं एंड मैं जैसे ही डैशबोर्ड में जाता हूं अब मैं उस पर्टिकुलर 10,000 का जो मैंने BTC बाय करा है गाइस मैं उसकी एक FD क्रिएट करना चाहता हूं। अब जो मैंने 10,000 का बिटकॉइन बाय करा है ना, अगर मैं FD भी नहीं क्रिएट करता तो भी मुझे वॉल्ट बिटकॉइन सिर्फ स्टोर करने का 4.6% रिटर्न या इंटरेस्ट देगा। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे चाहिए FD जितना रेट, तो FD जितना इंटरेस्ट चाहिए। तो आप देख सकते हैं अगर आप सिर्फ सेव करते हैं तो 4.60, अगर आप फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करते हैं तो आपको 6.70 का मिलता है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं अपना 50% मतलब 5,000 रुपये का जो मैंने बिटकॉइन खरीदा है वो मैं सिर्फ एक एज अ फिक्स डिपॉजिट करना चाहूँगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑटो रिन्यू अभी के लिए हटा रखा है एंड मैं क्रिएट करता हूँ फिक्स डिपॉजिट। मैं जैसे ही फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करूंगा अब आप देख सकते हैं योर फिक्स डिपॉजिट हैज बीन क्रिएटेड, आपका फिक्स डिपॉजिट क्रिएट हो चुका है 5,000 रुपीज का। पे आउट है 26th of November यानी कि नेक्स्ट मंथ आप अपना पे आउट लेकर चल सकते हैं। अब बाय चांस अगर आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर अगर मुझे 15 दिन बाद निकालना है, मुझे महीने बाद नहीं निकालना, तो क्या वो मुझे इंटरेस्ट रेट मिलेगा? सो यस गाइस, जो आपका जो 15 दिन का जो अमाउंट होगा, जो 15 दिन का इंटरेस्ट बन रहा होगा, वो आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल था। इसके अलावा अब आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉलेट पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके बिटकॉइन की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर शो कर रही है एंड यहाँ पर आप लोगों को इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर इन्वेस्ट पे फिक्स डिपॉजिट्स पे आ सकते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं फिक्स डिपॉजिट ऑलरेडी आपका क्रिएट हो चुका है। सो पहली प्रॉब्लम तो वॉल्ट ने हमारी सॉल्व कर दी कि हम लोग अगर यहाँ पर वॉलेट में क्रिप्टो स्टोर करते हैं तो हमें सेविंग इंटरेस्ट भी मिल सकता है, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हम फिक्स डिपॉजिट क्रिएट कर सकते हैं जो हमें ज्यादा बैंक से 2 गुना ज्यादा अपना इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करवाता है। अब इसके अलावा जो बात आती है जो हम लोगों ने ज्यादातर देखी थी यहाँ पे, वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब भी हम लोगों को मौका नहीं मिलता, हम एक बिजनेस क्लास है, हम सारी चीजें, तो हम लोगों को टाइम नहीं मिलता कि हम लो बाय कर पाए और हाई सेल कर पाए, या फिर जो भी डिप आती है ना हम उस डिप को पता नहीं लगा पाते हैं।
या फिर अगर हमें अपने खुद का SIP क्रिएट करना है कि हर महीने कुछ अमाउंट एज अ क्रिप्टो जो मैं पर्सनली सिलेक्ट करूं उन क्रिप्टोस पे 20-20% करके करके चार क्रिप्टोस पे ऑलरेडी अमाउंट चले जाए। सो ये क्रिप्टो के प्रॉब्लम को वॉल्ट ने सॉल्व करा है। सो अब अगर एक्सचेंज पे जाएंगे, ठीक है, आप सॉरी इन्वेस्ट पे आएंगे तो इन्वेस्ट पे AIP आपको दिखेगा। अब जैसे ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अब जैसे यहाँ पर आएंगे आप देख सकते हैं इन लोगों ने खुद के अपने बास्केट्स क्रिएट कर रखे हैं। आप देख रहे हैं अपने खुद के इन लोगों ने बास्केट्स क्रिएट कर रखे हैं। सी दिस, अब फॉर एग्जांपल आपको खुद का बास्केट क्रिएट करना है। मैं क्रिएट न्यू बास्केट पे गया, मैं चाहता हूँ कि बिटकॉइन, इथीरियम, .xlm, मैं इन चार और मैटिक भी ले लेते हैं, मैं इन पांच कॉइन्स के अंदर जब भी डिप आए तो मैं कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहूंगा। सो मैं क्रिएट एलोकेशन पर जाऊंगा, मैं चाहता हूँ मैं पांचों के अंदर 20-20% अपना एलोकेट करूँ फंड। सो आई विल गो एंड क्रिएट एलोकेशन। मैं जैसे ही करूंगा कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, अब यहां पर आप देख सकते हैं अब हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। दो ऑप्शन क्या आते हैं, बाय द डिप और डेली। बाय द डिप क्या होती है, फॉर एग्जांपल आप अपना एक डिप सेलेक्ट करके रख सकते हैं कि अगर 5% डिप आती है, अगर 5% डिप आती है एवरी डे, अगर फॉर एग्जांपल अभी बिटकॉइन 5% गिर गया, सो यहां पर मैं अपना अमाउंट डाल सकता हूं 1000 रुपीज का, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू शुड बी 6000 रुपीज। सो मैं अगर 6000 रुपीज यहाँ पर डालता हूँ, सो जैसी डिप आएगी 5% की बिटकॉइन के अंदर या पांचों कॉइंस के अंदर जैसी 5% की डिप आएगी, ऑटोमेटिकली मेरा जो 6000 रुपये है वो पांचों कॉइंस के अंदर बढ़ जाएगा और ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। मुझे मार्केट देखने की नीड बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन भी है डेली करके। आप क्या कर सकते हैं, आप डेली कुछ ना कुछ अमाउंट अगर इन्वेस्ट करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल मैं डेली 160 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ ऑन अ डेली बेसिस, मैं इन पाँच कॉइन्स के अंदर 160 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ एक महीने तक। सो मैं क्या करूँगा, मैं 1 month सेलेक्ट करूँगा, मैं डेली सेलेक्ट करूँगा एंड 160 रुपीज़। अब मैं जैसे ही क्रिएट AIP करूँगा तो ऑन अ डेली बेसिस मेरे 160 रुपये जो भी प्राइस चल रहा होगा इनका करंट प्राइस उस पर ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा और मेरा खुद का एक SIP क्रिएट हो जाएगा डेली बेसिस का। यहाँ पर मैं डेली बेसिस चेंज करके मंथली भी कर सकता हूँ और इसको 6 month भी, मतलब हर महीने 6 महीने तक मैं 160 रुपये डिपॉजिट करूँगा एंड ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाएगा। सो बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप SIP बहुत आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा इनका एक खुद का भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जा सकते हैं, प्रो ट्रेडिंग करके है एंड यहाँ पर आप अपना खुद का भी ट्रेड लेकर चल सकते हैं। यस गाइस, ये जो भी डाटा पुल करती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है क्रिप्टो करेंसीज पे वो आती है लिक्विडिटी। अगर लिक्विडिटी नहीं होगी तो जो स्प्रेड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये लोग जो भी डाटा पुल कर रहे हैं वो बुट पुल कर रहे हैं बाइनेंस के थ्रू। सो डेफिनेटली यहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा है और वो अच्छी बात है। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मुझे बाय करना है कुछ भी, सो यहाँ पर मैं जा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं मुझे कुछ भी बाय करना है, फॉर एग्जांपल BTC USDT। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप बाय कर सकते हैं BTC USDT एंड उसके थ्रू आप जैसे ही बाय करेंगे आपका ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा एंड नीचे आप ऑर्डर बुक और ट्रेड हिस्ट्री एंड फंड्स सारी चीज़ें यहाँ पर आप ऑलरेडी देख सकते हैं। सो यहाँ पर भी बहुत बढ़िया सिस्टम लेकर आया है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो बढ़िया फीचर जो अभी तक मुझे देखने को मिला इसके अंदर वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपने बिटकॉइन बाय कर लिया, आपने फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने अभी कुछ बिटकॉइन बाय करा हुआ है वॉलेट पे। अब मैं चाहता हूँ यार ये बिटकॉइन मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को उसके बदले इथीरियम चाहिए, तो क्या होगा, मुझे बिटकॉइन सेल करना पड़ेगा, जो अमाउंट आएगा उसका मैं इथीरियम बाय कर सकता हूँ। बट इन लोगों ने बहुत बड़ा सिंपल इजी वे रखा हुआ है, इंस्टेंट स्वैप। इंस्टेंट स्वैप से क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मुझे जो भी मैंने अमाउंट लगाया हुआ है बिटकॉइन पे, मैं उसका 50% चाहता हूँ कि वो एग्जिट हो जाए और उससे मैं इथीरियम बाय कर लूँ। सो मैं जैसे स्वैप नाउ पे क्लिक करूंगा तो मेरा ऑटोमेटिकली, अब आप देख सकते हैं कि मैंने 10,000 रुपीज़ लगाए थे बिटकॉइन के अंदर, 5,000 रुपीज़ का मैंने आपको ऑलरेडी पता है कि FD क्रिएट करी थी, ठीक है। लेट मी शो यू, अब देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली अब आप पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेट मी रिफ्रेश दिस फॉर यू। यस, अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं बिटकॉइन की जो वैल्यू दिखा रही है वो ऑटोमेटिकली कम हो चुकी है। इसके अलावा आप हिस्ट्री पे जाएंगे तो यहाँ पर आप हिस्ट्री पे देख सकते हैं कि अभी हम लोगों ने स्वैप करा हुआ है बिटकॉइन हाफ सेल करा एंड उसके बदले इथीरियम बाय कर लिया। सो ये सारे फीचर्स आप लोगों को गाइस इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अंदर प्रोवाइड होती है। यहाँ पर आप टोटल देख सकते हैं आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, आप नीचे देख सकते हैं आप अगर आप FD या फिक्स डिपॉजिट क्रिएट कराते हैं तो कितना आप लोगों को इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करते हैं चार्जेस की, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है आप लोगों को चार्जेस जानने में आती है। बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप लोगों को ठीक से बताते नहीं है कि एक्चुअल में उनके चार्जेस क्या हैं।
सो यहाँ पर आप इनके रेट्स पे आ सकते हैं वॉल्ट के, आप लोगों को सारे रेट्स पता चल जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आप अपना खुद का लोन भी ले सकते हैं, यस गाइस आप बोरो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने बिटकॉइन को के थ्रू आप लोगों को लोन चाहिए तो आपने अगर एफडी क्रिएट कर रखी है तो आपको 6.70% का इंटरेस्ट मिलता है थ्रू वॉल्ट, और अगर आप बोरो करते हैं तो आपको पे करना पड़ता है 7.50 का, एंड मतलब ऑलमोस्ट 0.80% पे आपको ये लोन भी प्रोवाइड करवा देते हैं और आपको उसे सेल भी नहीं करना पड़ता। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं डिपॉजिट और विड्रॉवल फीस बिल्कुल जीरो है, डिपॉजिट पे भी कोई फीस नहीं है, विड्रॉवल पे भी कोई फीस आप लोगों को पे करने की जरूरत नहीं है कोई भी कॉइन्स के अंदर। इसके अलावा अगर आप NIR डिपॉजिट करवाते हैं या NIR विड्रॉवल कराते हैं तो ये RTGS करवाते हैं तो कोई पे नहीं है, IMPS पे कोई पे नहीं है, NEFT पे कोई पे नहीं है, बट अगर आप वॉलेट के थ्रू पे करते हैं या कार्ड्स के थ्रू या नेट बैंक के थ्रू या UPI के थ्रू तो 1.77% का आप लोगों को चार्ज या फीस जाती है जो आपको पे करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर आप प्रो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आप इसके अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कौन सी फीस है, अगर आप फीस यहाँ देखेंगे तो मेकर चार्जेस यानी कि बाय कर रहे हैं, अगर आप लोग बाय कर रहे हैं तो यहाँ पर चार्जेस आप देख सकते हैं, हाईएस्ट चार्जेस आर 0.1 है जो कि थोड़े बहुत ही कॉइन्स में है वरना मेनली ज्यादातर जीरो ही है। ठीक है, इसके अलावा टेगर चार्जेस यानी कि जब आप विड्रॉ करेंगे, जब आप एग्जिट करेंगे तो 0.05 है जो आप लोगों को चार्जेस लगते हैं, विच इज वेरी लो, मतलब मुझ एक या दो प्लेटफॉर्म है जो ये चार्जेस प्रोवाइड करवा रहे हैं वरना उससे ज्यादा हाईएस्ट चार्जेस है, तो यहाँ पर आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। सो गाइस दिस इज द प्लेटफॉर्म, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, गो एंड चेक दिस आउट, एंड आप लोग यहाँ पर अपने एक रेफरल का कोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये लिंक है, आप लिंक को कॉपी करें, इस कोड को कॉपी करें, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करेंगे, वो जैसे ही यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे बाय यूजिंग दिस लिंक एंड बाय पुटिंग दिस पर्टिकुलर कोड, आप देख सकते हैं जो 40% ऑफ योर फीस है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा मतलब जो भी वो लोग ट्रेड करेंगे उसकी जो 40% फीस होगी वो आप लोगों को मिलेगी। इसके अलावा जो 5% अगर उन लोगों को कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, उन्होंने फॉर एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट क्रिएट कराई BTC की एंड उनको 7% मिल रहा है तो 7% तो उन लोगों को मिलेगा प्लस 5% एक्स्ट्रा आप लोगों को भी मिलेगा अगर वो आपके लिंक के थ्रू ओपन करवाते हैं। सो ये दोनों चीज़ें भी मैंने नीचे डाल दी हैं, आप मेरे थ्रू ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को अपने खुद के पर्सनल रेफरल लिंक्स भी शेयर कर सकते हैं और इसके थ्रू भी आपकी अर्निंग अच्छी हो सकती है। सो गाइज ये था हमारा एक पर्टिकुलर वॉल्ट का प्लेटफॉर्म, आई होप आप लोगों को पसंद आया। सो गाइस कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये वॉल्ट का प्लेटफॉर्म, और आप देख सकते हैं कि इन्होंने सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है विदाउट सेलिंग योर पर्टिकुलर क्रिप्टोज। आप अपने यहाँ से लोन ले सकते हैं, आप सेविंग इंटरेस्ट रेट जनरेट कर सकते हैं, आप अपना खुद के क्रिप्टो का फिक्स डिपॉजिट बना सकते हैं एंड उस पर भी आप लोगों को हाईएस्ट रिटर्न मिलेंगे, इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो कि बैंक्स आपको ऑफर करती है। इसके अलावा आप यहाँ पर पर्सनल अपना खुद का SIP क्रिएट कर सकते हैं, आप एक लिमिट सेट कर सकते हैं कि अगर कभी भी 5% बिटकॉइन गिरता है या मेरे क्रिप्टो करेंसीज गिरते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाए, मुझे बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। सो इस प्लेटफॉर्म ने आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, सो व्हाई आर यू वेटिंग गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, गो एंड ओपन योर पर्टिकुलर अकाउंट इन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। तो मैं ऐसी और वीडियोस के साथ आप लोगों के सामने मिलते रहूंगा, और ब्रीफ में आप लोगों को बताते रहूंगा कि कैसे फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करना है, खुद का अपना एक वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, SIP कैसे कर सकते हैं एंड लोन कैसे ले सकते हैं इसके थ्रू। सो और डेडिकेटेड वीडियोस आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड।